morning, students. I am Filmani Tupna. I hope that you all will be keeping well at home. Today we will study the very first chapter of EVS. आज हम EVS का पहला पार्ट पढ़ेंगे. So sit with your notebook along with your pencil and eraser. इसलिए आपको अपनी नोटबुक पेंसिल और इरेजर के साथ बैठना है. चिल्ड्रेन, यू हैव लर्न हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन एंड टू गिव योर पर्सनल इंफॉर्मेशन. बच्चों, आप पहले से ही सीख चुके हो कि अपना परिचय तथा अपना व्यक्तिगत जानकारी किस तरीके से देते हैं. नाउ वी विल लर्न टू गिव आवर इंट्रोडक्शन एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन विथ मोर डिटेल्स. बच्चों, अब हम अपना परिचय तथा व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन को विस्तार से देने के लिए सीखेंगे. नाउ लेट अस डिस्कस दिस ऑल सेंटेंसेस. अभी हम लोग ये जो सेंटेंसेस है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. First, I have written here, my name is Das. हमने क्या लिखे हैं? मेरा नाम Das है. तो यहाँ पर आपको क्या राइट करना है? अपना नेम. सपोज योर नेम इज रोशनी बंगेल, सो यू हैव टू राइट रोशनी. नेक्स्ट, आई एम 10 इयर्स ओल्ड, मीन्स हम कितने साल के हैं या कितने उम्र के हैं. तो यू हैव टू राइट हियर योर एज. सपोज योर एज इज 7, सो यू हैव टू राइट हियर 7. नेक्स्ट, आई एम अ Das means you are girl or boy, you have to mention here. आप अपने जानते हैं कि आप बॉय हैं या गर्ल हैं. सो अगर आप बॉय हैं तो आपको यहाँ पर राइट करना है आई एम अ बॉय. इफ यू आर गर्ल देन यू हैव टू राइट हियर गर्ल. नेक्स्ट, आई वॉज बॉर्न ऑन Das. आप अपना जन्म डेट राइट करेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर राइट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल 12 एंड ईयर 2013. नेक्स्ट, आई स्टडी इन क्लास 10, दैट मीन्स आप कौन सा क्लास में पढ़ रहे हैं. आपको पता है कि आप लोग सेकंड क्लास में आ चुके हैं, तो यहाँ पर आप लोग राइट करना है सेकंड. नेक्स्ट, माय एड्रेस इज Das. उसका मतलब हम कहाँ रहते हैं. जो भी प्लेस का नेम है, आप जहाँ रहते हो उस प्लेस का नेम यहाँ पर आपको राइट करना है. सपोज यू आर लिविंग इन सेवड़ा, सो यू हैव टू राइट हियर सेवड़ा. नेक्स्ट, द नेम ऑफ माय स्कूल इज Das. सभी कोई जानते हैं कि आप कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सा स्कूल में स्टडी करते हैं. तो अपना स्कूल का नाम क्या है? गुरुकुल एकेडमी पब्लिक स्कूल सेवड़ा. सो यू हैव टू राइट हियर गुरुकुल
public school Sevda. Next, my father's name is Das. That means you have to write your father's name. For example, Mr. Amit Baghe. Next, my mother's name is Das. So you have to write your own mother's name. Class, and thank you for listening me. I have a nice day.